नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में जदयू और राजद के बीच रही कांटे की टक्कर। 5,000 वोट से जीते एनडीए प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल। मतगणना के दौरान सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। एसएसपी आशीष भारती खुद कर रहे थे सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग। बेलहर विधानसभा उपचुनाव में राजद प्रत्याशी ने जदयू के प्रत्याशी लालधारी यादव को पछाड़ा। 20,000 वोट से जीते रामदेव यादव। सोनू राय हत्याकांड मामले में पुलिस ने शातिर अपराधी गांधी यादव को किया गिरफ्तार। नवगछिया एसपी ने दी जानकारी। और तनाव के कारण 12 वर्षीय लड़की ने फंदा डालकर की आत्महत्या। जांच में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना गुरुवार को शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। फाइनल राउंड में जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल ने जीत दर्ज की। लक्ष्मीकांत मंडल ने राजद प्रत्याशी राविया खातून को कांटे की टक्कर में लगभग 5,000 वोट से हराया। वहीं जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल को 55,936 मत प्राप्त हुए, जबकि राजद प्रत्याशी राविया खातून को 50,824 मत प्राप्त हुआ। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार आलोक को 13,437 मत प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर जदयू और राजद के बीच आठवीं राउंड की मतगणना के बाद कांटे की टक्कर चलती रही। हरेक राउंड में दोनों प्रत्याशी एक दूसरे को पछाड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अंतिम राउंड की गिनती के बाद जदयू प्रत्याशी ने 5,000 वोट के अंतर से अपने प्रतिद्वंद्वी राविया खातून को हराकर बिहार विधानसभा में अपनी सीट पक्की कर ली। जीत के बाद लक्ष्मीकांत मंडल ने कहा कि नाथनगर क्षेत्र का विकास पहली प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने कार्यकर्ता को सम्मान दिया है और जनता ने नीतीश सरकार पर भरोसा जताया है। बिहार के दौरान बिहार सरकार द्वारा न्याय के साथ विकास हो रहा है और साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा सबका साथ सबका विकास लेकर के जो विकास हो रहा है, यानी मुख्य रूप से जो सारी जो सरकार के द्वारा योजनाएं चल रही है, चाहे वह 44 विभाग हो और 400 प्रकार की अधिक योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं को एकदम जमीन पर धरातल पर पारदर्शिता के साथ लागू होना करना, यही मेरा मुख्य मुद्दा है। पूरे बिहार में हार गए उत्तर मम्मी प्रतिक्रिया कुछ नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ जो भागलपुर में नाथनगर विधानसभा तक जीत हुई है, यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। और साथ ही साथ भागलपुर के सभी कार्यकर्ताओं का और नाथनगर विधानसभा के क्षेत्र के सभी मतदाताओं का उसमें सम्मान है और उसकी जीत है। कड़ी सुरक्षा के बीच नाथनगर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। जिस तरह से मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ था, उसी तरह से मतगणना संपन्न हो गई। इसी के साथ जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल लगभग 5,000 मतों से विजय बने और इस बार का जो चुनाव है उसमें राजद और जदयू के बीच कांटे की टक्कर रही। जीत के बाद जदयू प्रत्याशी को कार्यकर्ताओं ने गोदी में उठा लिया और जमकर प्रत्याशी के पक्ष में नारेबाजी की। साथ ही साथ जो बिहार की राजनीति थी उसकी भी खामोशी उस चुनाव से टूट गई और कहीं ना कहीं 2020 का जो चुनाव है उसकी भी झलकियां इस चुनाव में नज़र आई। और अगर बात करें वोट की तो कुछ ज़्यादा अंतरों से जीत दर्ज नहीं हुई है, मात्र लगभग 5,000 वोट का आंकड़ा है जो कि इसमें अंतर है राजद और जदयू के बीच में। और इसी के साथ जो चुनाव था जो वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की इसमें सक्रिय भूमिका रही। कुल 22 राउंड की मतगणना के बाद अंतिम नतीजा आया जिसमें लक्ष्मीकांत मंडल विजय बने। कैमरा पर्सन सुमित कुमार के साथ सैयदना।
नाथनगर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर पुलिस जवानों के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी। सुरक्षा की मॉनिटरिंग एसएसपी आशीष भारती स्वयं करते दिखे। वहीं मतगणना क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई थी। खुफिया विभाग के अधिकारी भी सारी सूचना एकत्र कर पल पल की जानकारी मुख्यालय को भेज रहे थे। वहीं सुरक्षा को लेकर काफ़ी संख्या में महिला पुलिस बलों को भी लगाया गया था। एसएसपी आशीष भारती, सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटी डीएसपी राजवंश सिंह समेत कई पुलिस अधिकारी मतगणना केंद्र में मुस्तैद दिखे। विल्हर विधानसभा उपचुनाव में राजद प्रत्याशी रामदेव यादव ने 19,246 मतों से जीत प्राप्त की। राजद प्रत्याशी रामदेव यादव को कुल 76,339 मत प्राप्त हुआ। वहीं जदयू प्रत्याशी लालधारी यादव को 57,119 वोट मिले, जबकि 6,986 वोट नोटा को मिला। दोनों प्रत्याशियों के बीच मुकाबला काफ़ी रोमांचक रहा। आठवें राउंड मतगणना के बाद से ही राजद प्रत्याशी रामदेव यादव अपनी बढ़त बनाए हुए था। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने रामदेव यादव को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। मतगणना के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए रामदेव यादव ने कहा कि परिवारवाद के खिलाफ लोगों ने चुनाव में वोट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 3 बार विधायक रहते हुए क्षेत्र का काफ़ी विकास किया था, जिसको देखते हुए जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। नवगछिया पुलिस ने सोनू राय हत्याकांड में शामिल शातिर अपराधी गांधी यादव को गिरफ्तार कर लिया है। गांधी की गिरफ्तारी गोपालपुर थाना क्षेत्र के धरहरा गांव से हुई है। गिरफ्तार अपराधी गांधी यादव छोटुआ गिरोह का शार्प शूटर बताया जा रहा है। नवगछिया एसपी निधि रानी ने बताया कि हत्याकांड के समय घटना की रेकी करने में गांधी यादव की अहम भूमिका थी। एसपी ने कहा कि पकड़े गए अपराधी की निशानदेही पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर पुलिस छापेमारी कर रही है। एसपी ने कहा कि ईंट भट्टा संचालक पिंकू चौधरी हत्याकांड में भी गांधी यादव की भूमिका सामने आई थी। एसपी ने कहा कि जल्द ही हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पिछले सप्ताह परबत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत जो विक्रमशिला पहुंच पथ है, उस पर कुछ अपराधियों के द्वारा तुलसीपुर खरीक थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले सोनू राय की हत्या कर दी गई थी। उसमें जो नामजद अभियुक्त है उसमें से एक की गिरफ्तारी घटना के दिन हो गई थी, और जो बाकी उसमें अभियुक्त शामिल है उसमें से गांधी यादव जो कि गोपालपुर रतला थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वहां से उसकी गिरफ्तारी आज हुई है। गांधी यादव छोटू यादव जो कि एक कुख्यात अपराधकर्मी है नवगछिया प्रेस जिला का, उसके गिरोह का सक्रिय सदस्य है। इसके ऊपर पूर्व में भी कई केस दर्ज रहे हैं, जैसे कि गोपालपुर थाना में हत्या और आर्म्स एक्ट के इसके ऊपर केस दर्ज है। तो गांधी यादव की आज गिरफ्तारी हुई है। पिछले कई दिनों से बीमार चल रही 12 वर्षीय लड़की ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मुजाहिदपुर पुलिस ने लड़की के शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक लड़की की पहचान मुन्ना ठाकुर की 12 वर्षीय पुत्री वर्षा कुमारी के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सिकंदरपुर नई टोला स्थित कोबीबाड़ी में सुरेश शाह के मकान में मुन्ना ठाकुर किराएदार के रूप में रह रहे थे। गुरुवार की दोपहर माँ और पिता किसी काम से बाहर निकले थे, इसी दौरान लड़की ने पंखे में फंदा डालकर झूल गई। परिजनों के अनुसार मृतका कई महीनों से बीमार चल रही थी, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। मुजाहिदपुर इंस्पेक्टर प्रमोद शाह ने बताया कि घटना की छानबीन की जा रही है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो। अगर पीवीवाई आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी।
पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने गुरुवार को मधुसूदनपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएसपी ने लंबित पड़े कांडों की समीक्षा की। डीएसपी ने सिरिस्ता कार्य में सुधार लाने, भूमि विवाद निपटारे, वारंटियों की गिरफ्तारी करने, कुर्की जब्ती एवं लंबित कांडों की संख्या कम करने और हाल ही के दिनों में हुए घटना में अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश थाना अध्यक्ष मनीष कुमार को दिया। वो रूटीन वर्क है, हर थाने में घूम घूम के डीएसपी इंस्पेक्टर सभी लोगों को लंबित जो कांड है, पंजीयों का संधारण है, उसे देखना है, जांच करना है। उसी क्रम में मैं यहाँ आज समीक्षा कर रहा हूँ। थाना वही निर्देश है, जो पंजी है वो ज्यादातर किया जाए जल्दी से और लंबित कांडों का निष्पादन किया जाए। जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल की जीत के बाद उनके पैतृक गांव बिहारीपुर में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जीत की बधाई दे रहे हैं। वहीं बिहारीपुर गांव में जीत से उत्साहित महिलाओं ने जमकर डांस किया। आइए हम आपको दिखाते हैं जश्न की कुछ झलकियां। नवगछिया पुलिस ने 2,00,000 रुपये के नकली नोट के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान पश्चिम बंगाल के सबरेजपुर निवासी हाजीपुद्दीन, परवत्ता के खगड़ा निवासी शैलेश कुमार एवं खरीक के अटगामा निवासी संजय मंडल के रूप में हुई है। नवगछिया एसपी निधि रानी को नकली नोट की खेप लाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद एसपी ने मामले के उद्भेदन को लेकर एक विशेष टीम का गठन किया, जिसके बाद टीम में शामिल जवानों ने रेलवे स्टेशन के समीप तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान हाजीपुद्दीन के पास से 1,00,000 के नकली नोट को बरामद किया। वहीं संजय और शैलेश के पास से 2,000 के 52 नोट बरामद किया गया है। एसपी ने कहा कि हाजीपुद्दीन जाली नोट का कारोबार करने वाला मुख्य एजेंट है, जो बंगाल से जाली नोट नवगछिया इलाके में खपाता था। एसपी ने कहा कि नोट की फिनिशिंग इतनी अच्छी है कि कोई भी व्यक्ति धोखा खा जाएगा। नवगछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत हम लोगों को पीछे पूर्व में भी कई सफलताएं मिली हैं जाली नकली नोट बरामद करने के लिए, तो उसी में हम लोगों की टीम काफी दिनों से लगी हुई थी। जो ऐसा गिरोह जो नवगछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रेल के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट से जो कुछ नकली नोट लेके आते हैं, ऐसे गिरोह के पीछे हम लोगों ने कार्रवाई हम लोग कर रहे थे। उसी कार्रवाई के क्रम में आज गुप्त सूचना के आधार पर नवगछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास लगभग 2,00,000 से ज्यादा के 2,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध में कांड दर्ज किया जा रहा है नवगछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत, और उनके गिरोह में जो बाकी शामिल सदस्य हैं, जिसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी पूर्व में भी हुई है और कुछ पूर्व के कांडों में फरार चल रहे हैं, उनके विरुद्ध भी गिरफ्तारी करने के लिए तथा बाकी उसमें और अनुसंधान में आगे बढ़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। नवगछिया में रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान एक व्यक्ति का दोनों पैर मालगाड़ी की चपेट में आकर कट गया। घटना के बाद रेल पुलिस ने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि नया टोला निवासी दीपक कुमार गुरुवार को बाजार जाने के लिए घर से निकला था। इस दौरान रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से पार कर रहा था, उसी दौरान मालगाड़ी खुल गई, जिसकी चपेट में आकर दीपक अपनी दोनों पैर गंवा बैठा।
नवगछिया में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना में दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पकरा स्थित पुआरी टोला में किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठी डंडा चलना शुरू हो गया, जिसमें एक व्यक्ति का सर फट गया जबकि दूसरे व्यक्ति के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। भागलपुर TNV कॉलेज परिसर में गुरुवार को NSS की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने परिसर में पड़े कूड़े कचरे की सफाई के साथ प्लास्टिक की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन NSS के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार, डॉक्टर सुमन कुमार एवं डॉक्टर श्वेता पाठक ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान सभी अधिकारियों ने स्वच्छता को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में जदयू और राजद के बीच रही कांटे की टक्कर, 5,000 वोट से जीते NDA प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल। मतगणना के दौरान सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, SSP आशीष भारती खुद कर रहे थे सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग। बेलहर विधानसभा उपचुनाव में राजद प्रत्याशी ने जदयू के प्रत्याशी लालधारी यादव को पछाड़ा, 20,000 वोट से जीते रामदेव यादव। सोनू राय हत्याकांड मामले में पुलिस ने शातिर अपराधी गांधी यादव को किया गिरफ्तार, नवगछिया SP ने दी जानकारी। और तनाव के कारण 12 वर्षीय लड़की ने फंदा डालकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क TV के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।